एक बार फिर से घर के अंदर शेखर सुमन आए हैं और इन सभी के साथ मस्ती मजाक जो है वो शुरू हुआ है। अब प्रियंका और सुम्बुल का नॉमिनेशन वाला सीन जहां सुम्बुल जमीन पर लेट गई थी उसको फिर से रिक्रिएट किया गया है। बोलते हुए नजर आए शेखर सुमन कि भाई बताओ कि सुम्बुल तुम्हें क्या लगता है कि प्रियंका सच बोलती है, सही होती है? इस पर सुम्बुल फिर से जमीन पर लेटकर उसी सीन को रिक्रिएट करती है और कहती है कि अरे इसको तो ऐसा लगता है कि मेरे अलावा मेरे चेहरे पर और कोई सच कैसे बोल गया, और इस तरीके से उसकी एक्टिंग करती नजर आ रही है सुम्बुल। अब शेखर सुमन जो है वो शिव से कहते हैं कि बताओ यहाँ ट्रॉफी के दावेदार कौन है, तीन बताओ अपने आप को छोड़कर। जिस पर शिव कहते हैं मैं चार नाम ले सकता हूँ क्या, तो उसने बोला चलो तुम चार ले लो। और इस पर वो कहती हैं जो ये है शिव, वो कहता है कि मेरे बगल में बैठे हुए तीन यानी कि स्टैन, निमृत और सुम्बुल और साथ में एक प्रियंका। तो जिस पर शेखर सुमन कहते हैं कि तुम्हारे दिल में तो चल रहा होगा चार नाम, शिव 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 और सिर्फ शिव। तो इस तरीके से आज का शेखर सुमन का शो जो है वो होने वाला है। और इस बार नरेंद्र मोदी का आपने मन की बात जैसा सुना ही होगा, तो आज का जो उनका बिग बुलेटिन है उसको भी टाइटल दिया गया है मन की बात, यानी कि इन सभी कॉन्टेस्टेंट के मन में आखिरकार क्या बात चल रही है। तो आप लोगों को कितना इंतजार है कमेंट जरूर करें।